दोस्तों ताइवान से आज सुबह एक बड़ी भयावह खबर सामने आई है। ताइवान में आज सुबह 9 बजे के आसपास 7.5 तीव्रता का एक भयंकर भूकंप आया, जिसकी वजह से पूरा ताइवान तहस नहस होकर रह गया है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि काफी लोगों के जान माल का नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ है। ये भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके जापान तक में महसूस किए गए हैं। जापान के भी कई द्वीपों को इस भूकंप ने हिला कर रख दिया है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि पिछले लगभग 25 सालों में ताइवान में आने वाला ये सबसे खतरनाक भूकंप है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि आज जो मौसम वैज्ञानिक है वो उनका कहना ये भी है, वो ऐसा मान भी रहे हैं कि हो सकता है एक 3 मीटर ऊंची सुनामी भी अब इसके बाद आएगी। तो दोस्तों वहाँ से ये भयावह खबर सामने आई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भगवान से दुआ करें कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो।